सियासी वर्चस्व की लड़ाई नए नए मोड़ लेती नजर आ रही है। ना ये शांत हो रही है और ना ही बंद होते दिखाई दे रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने आप को ही पंजाब का कैप्टन मानते हैं, लेकिन कभी क्रिकेट के मैदान में विरोधियों के छक्के छुड़ा देने वाले सिद्धू ये मानने को तैयार नहीं है कि कैप्टन सिर्फ अमरिंदर ही हैं। वो चाहते हैं कि पंजाब में मौजूदा सियासत को देखते हुए बड़ा बदलाव होना चाहिए, लेकिन इस खींचतान से आखिर नुकसान किसका हो रहा है? बमुश्किल कुछ राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन वहां भी आपसी झगड़ों की वजह से कांग्रेस की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। जहां एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने बयानों से उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है जिस पर कई कांग्रेसी नजर गड़ाए बैठे थे। जी हां, उन्होंने साफ कह दिया है कि पंजाब में अगर कांग्रेस का कोई कैप्टन है तो वो सिर्फ अमरिंदर सिंह है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब में जारी सियासी खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं बड़ा की लड़ाई में कांग्रेसी अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। मालूम हो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी ये लड़ाई पहुंची थी या पहुंच रही है, लेकिन इसका खामियाजा कुल मिलाकर कांग्रेस आलाकमान को उठाना पड़ रहा है। अंतरकलह का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज नेता को खो दिया। वहीं राजस्थान में भी पायलट अपने बगावती सुर बीच बीच में दिखाते रहते हैं। ऐसे में बहुत हद तक जिम्मेदारी आलाकमान की बन जाती है कि वो पार्टी नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार कई राज्यों से अपने हाथ धो बैठी है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस और सरकार में इतनी उथल पुथल क्यों मची है? आखिर इसे हवा कौन दे रहा है? क्या पार्टी किसी बगावत की कगार पर खड़ी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो वरिष्ठ कांग्रेसियों को भी समझ में नहीं आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ तालमेल बना रहे प्रदेश के एक विधायक का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मिजाज की राजनीति करते हैं। उनकी अकड़ का कमजोर होना जरूरी है और कांग्रेस साथ ही साथ पंजाब के हित में है। जबकि पार्टी के एक पूर्व महासचिव का कहना है कि उन्हें इस समय कांग्रेस की लाइन और लेंथ दोनों ही कम समझ में आ रही है। ये सवाल तब पैदा हुआ जब कांग्रेस मंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज होकर और उन्हें बदलने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हरीश रावत के साथ देहरादून में बैठक कर रहे थे। यहां नाराज कांग्रेसियों का नेतृत्व पंजाब के परिवहन मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा कर रहे थे। हालांकि बैठक से पहले हरीश रावत ने साफ कर दिया था कि 2022 का विधानसभा चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। पार्टी के अंदर आप जो है क्या समाचारों में छप रहा है, क्या कहा जा रहा है, उससे गाइडेड नहीं होते हैं। जब तक आमने सामने कोई बात नहीं होती है तब तक कोई बात वो नहीं होती। प्रश्न जो भी होगा उसका समाधान परिवार के अंदर ही कर लिया जाएगा, पार्टी के अंदर ही कर लिया जाएगा। और उन लोगों में से कई हमारे बहुत
पुराने खानदानी कांग्रेस के लोग हैं और इसलिए पार्टी को कोई चिंता नहीं है, उनको स्वयं पार्टी की चिंता है, उन सब साथियों को, और वो आगे के लिए क्या रास्ता हो सकता है निकाल। सिद्धू और सिंह के बीच की लड़ाई 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनते ही शुरू हो गई थी। अमरिंदर 2017 के विधानसभा चुनाव के समय सिद्धू को कांग्रेस में लाने के पक्ष में नहीं थे। शायद अमरिंदर सिद्धू को अपने खिलाफ एक चुनौती के रूप में पहले से ही देख रहे थे, लेकिन ये साफ था कि सिद्धू का कांग्रेस में प्रवेश गांधी परिवार के आशीर्वाद से ही हुआ था और 2017 का चुनाव जीतने पर अमरिंदर सिंह को सिद्धू को कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा। दोनों के बीच की खींचतान तब बढ़ी जब सिद्धू ने ये घोषणा की कि वे प्रधानमंत्री इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। अमरिंदर ने सिद्धू को इस बात पर पुनर्विचार करने की सलाह दी, लेकिन उस सलाह को दरकिनार करते हुए सिद्धू वाघा बॉर्डर पार कर उस समारोह का हिस्सा बनने के लिए गए। मामला पेचीदा तब हो गया जब अमरिंदर ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के साथ सिद्धू के गले मिलने की खुली आलोचना की। फिलहाल कांग्रेस का कुछ ही राज्यों में अस्तित्व बचा है। बावजूद इसके आलाकमान एसी के कमरों में बैठकर कला को दूर करने का दिखावा मात्र कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस हर राज्य से अपना हाथ धो बैठेगी। फिलहाल पंजाब की राजनीति और कितने मोड़ लेती है ये तो पता चल ही जाएगा। पॉलिटिकल डेस्क प्राइम टीवी।